नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं अयोध्या की बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ मंदिर परिसर में स्थायी हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। हेलीपैड बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है VVIP मूवमेंट के दौरान राम भक्तों को आने वाली परेशानी। जिस प्रकार से रोजाना राम भक्तों की संख्या बढ़ रही है, इसको देखते हुए अयोध्या में रोजाना VVIP मूवमेंट होते हैं और इसी वजह से राम जन्मभूमि परिसर में ही स्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है। बता दें कि अभी अस्थायी हेलीपैड रामकथा पार्क के पास बनाया गया है। वहां से आने पर कई जन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पूरी सड़क बंद करनी पड़ती है और सुरक्षा को भी बढ़ाना पड़ता है, जिसको देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि राम मंदिर परिसर में ही स्थायी हेलीपैड बनाया जाए। हेलीपैड तो अभी जो प्रदान दी जाए तो कई ऐसी इच्छा ना हो जाए उनकी कि मैं मंदिर दर्शन करने जाऊंगा, तो हेलीपैड का निर्माण कर दिया गया था। और वो आगे प्रमुख अगर कोई महत्वपूर्ण लोग आते हैं तो हेलीपैड का उनके लिए इस्तेमाल मंदिर में दर्शन करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जिससे आम जनता को कोई प्रभाव आवागमन पे ना पड़े। अयोध्या को उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इसी बीच जीरो कार्बन एमिशन युक्त ई व्हीकल्स परिवहन सुविधा से लैस करने की प्रक्रिया पूर्ण होती नजर आ रही है। आज अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध करा दी गई हैं। ये सभी कार अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, जो आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर दर्शन या अन्य मंदिरों के दर्शन पूजन के लिए उपलब्ध होंगी। 22 जनवरी के पहले अयोध्या को 12 इलेक्ट्रिक कार और उपलब्ध करा दी जाएंगी। सीएम योगी के मंशा के अनुरूप इस दिशा में एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी, जिस पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने कार्य योजना को अंतिम रूप भी दे दिया है। अब राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर के निर्माण पूरा हो चुका है, उसी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, उसे उन्हीं को देखते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें हमारी कंपनी ईवी प्लस के नाम से ये ऐप चलाएगी और ये सारी 12 गाड़ियां आई हैं, फिर 22 को 12 गाड़ियां आ जाएंगी। इसी तरह से श्रद्धालुओं को या सभी को घुमाने के लिए व्यवस्था सारी बनाई। सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य की परंपरा आज अयोध्या में फिर से देखने को मिली। जी हाँ, बात करें अयोध्या के सिंधी समाज की तो सिंधी समाज के संत शिरोमणि प्यार साईं वासुदेव राम की पुण्यतिथि पर आज निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि संत सतरामपुरी कॉलोनी में साईं नितिन राम की अगुवाई में ये शिविर लगाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने बीमारियों का इलाज करवाया और दवाइयां फ्री में लेकर भगवान में सबका स्वास्थ्य मंगलमय हो ये कामना की। यह कैंप 14वां कैंप है। ये नए साल की मधुर बेला पे हर साल 4 जनवरी को लगता है, जिसमें पूरे जनपद के सारे इलाकों से, सारे तहसीलों से हजारों लोग आते हैं। अभी ये कारवा बढ़ता जाएगा। अभी तो कई डॉक्टर हमारे आने हैं, जैसे डॉक्टर महेश हुरतानी जी जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, शुगर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर पाठक जी, कई लोग आने हैं और लखनऊ से भी आने वाले हैं, लेकिन मौसम को देखते हुए। लेकिन आज जो इस कैंप की शुरुआत हुई है वो कैंप की हवन से शुरुआत हुई है। हवन करके सारे डॉक्टरों ने अपने अपने स्थान पर बैठ के मरीजों की जाँच कर रहे हैं। सवेरे से तांता लगा हुआ है, हजारों की संख्या में पर्चे कट रहे हैं, सेवादारी लगे हैं। ये SSD परिवार है, संत सतराम दास समिति है, उन्हीं के तत्वाधान में, और जो हमारे गुरुजी थे, हमारे समाज के गुरुजी थे, जिन्होंने पूरे देश में स्वास्थ्य का प्रचार किया, शिविर का प्रचार किया, क्योंकि उनके पास जो भी आता था साईं वासुदेव राम जी के यहाँ, तो उनकी यही भावना रहती थी कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। गुरु शिष्य की परंपरा आपने किताबों में पढ़ी होगी, आपने कहानियों में सुनी होगी, लेकिन हम अयोध्या नगरी में हैं। अयोध्या नगरी में गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है। जी हाँ, मौजूद हैं रामनगर में, एक कॉलोनी में मौजूद हैं, सिंधी समुदाय का वो कॉलोनी है, और हमारे साथ गुरु जी हैं यहाँ पे, जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसको चरितार्थ करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है और अपने गुरु की याद में, मतलब गुरु की याद को जीवांत किया जा रहा है। हमारे साथ गुरु जी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। ये आपके गुरु जी का नाम बताइए और कौन सी पुण्यतिथि है जो ये आप इनकी याद में लगातार हर वर्ष करते आ रहे हैं? हमारे गुरु जी भी थे और हमारे पिताजी भी थे, पूज संत सतराम दास साहब, ये सिंध की गद्दी चली आ रही है, उन्हीं का ये मंदिर है, और उनकी जो गद्दी पे विराजमान थे संत वासुदेव राम जी, उनकी 14वीं पुण्यतिथि है वर्षी के उपलक्ष में ये मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिनमें काफ़ी सारे डॉक्टर आए हुए हैं यहाँ पे।
तो गुरु जी एक चीज़ जानना चाहेंगे कि काफ़ी सारे लोग हम अभी देख रहे थे, काफ़ी सारे लोग बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं स्वास्थ्य कैंप में, क्या ये विगत कितने सालों से आप? ये हम लोग को 14वां साल है, 14 ईयर हो गए हैं और इसको हम लोग लगातार लगाते हुए आ रहे हैं। और एक दिन का ये कैंप रहता है जिसमें ऑपरेशन आँखों के और हड्डियों के रोग, उसके भी ऑपरेशन और काफ़ी सारे इलाज यहाँ पे होते हैं इस कैंप में। आपने दवा ली? जी, यहाँ पे कैंप लगाया गया है जी। दवा ली? नहीं, अभी हमने तो नहीं लिया, अभी नहीं लिया, अभी ले आएंगे। आपने लिया? नहीं, अभी आए, अभी अभी आए हैं जी, अभी लिया। तो कैसी व्यवस्था लग रही है? जैसे पूर्ण तिथि पे हर साल किया जाता है और इस साल भी किया जा रहा है, हर साल बढ़िया व्यवस्था होती है पूरी जी जी। दांत के आप लोग समिति के ही सदस्य हैं? अच्छा, आपने डॉक्टर से जांच वाँच करवाया? गुरु महाराज की कृपा से अभी कोई जरूरत नहीं है जी जी। और ना ही जरूरत पड़े तो अच्छा है। जिन लोगों को जरूरत है हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको ये जरूरत पूरी की जाए और उनको दिया जाए, सेवा की जाए उन लोगों की। तो ये आप देख रहे हैं काफी सारे लोग हैं, समिति के ही सदस्य हैं जिनके मेल जोल से एक विचार से ये पूरा गठन होता है, और गठन के साथ जो दूर दूर से बीमार हुए या कहें कि आंखों की दवा हुआ या मतलब किसी भी प्रकार की दवा, हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे दे करके उनसे इलाज करवा के फ्री में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं क्या बाबूजी? जी, दवाइयाँ भी फ्री मिल रही हैं जी, कोई चार्ज तो नहीं है? मतलब गुरु शिष्य की जो परंपरा सदियों से हम लोग सुनते आए हैं वो चरितार्थ होते दिख रहा है आपको? ये कई सालों से चल रहा है और बहुत ही शानदार चल रहा है। हमको भी ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन के लिए दिखाया है डॉक्टर साहब को और बहुत अच्छी व्यवस्था है और सब गुरु जी की मेहर है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये होम्योपैथ का एक स्टॉल लगाया गया है और एलोपैथ का भी ऐसे स्टॉल है, मतलब और आँखों की दवाई, मतलब आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हों तो आप यहाँ पर आएं और अपना जो भी कुछ उपचार है अपना करा सकते हैं। डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हुए हैं, अयोध्या हॉस्पिटल के हुए या कहें लखनऊ से भी कुछ डॉक्टर आए हुए हैं शायद, जो मुझे पता है। क्यों यहाँ पे लखनऊ से भी कुछ डॉक्टर? लखनऊ से आने थे डॉक्टर पर किसी वजह से वो नहीं आ पाए हैं जी जी। पर वो हर साल आते हैं, इस बार नहीं आ पाए। मतलब हर प्रकार की दवाइयाँ अगर आप इस संस्था से जुड़ेंगे यहाँ पे आएंगे तो ये कई सालों से लगातार चलता आ रहा है और जब आप यहाँ पे आएंगे तो किसी भी बीमारी से दूर नहीं रहेंगे, हर चीज़ का इलाज होगा, संभव इलाज निःशुल्क इलाज होगा। अयोध्या से आज की खबर के लिए अपूर्व पाठक। प्रधानमंत्री ने अयोध्या की मीरा को नववर्ष का तोहफा और बधाई संदेश भेजा है। नववर्ष के बधाई संदेश के साथ गिफ्ट पाकर मीरा का पूरा परिवार उत्साहित हुआ। बता दें कि जिला प्रशासन का प्रतिनिधि मंडल मीरा के घर पहुंचा, साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से भेजे गए पत्र और उपहार को मीरा को समर्पित किया। दरअसल उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मीरा से अयोध्या दौरे के दरमियान प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। इतनी ही नहीं, उन्होंने मीरा के घर पर चाय भी पी थी। वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो उसकी तैयारी का दौर अंतिम चरण पर है। इसी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन की एक बड़ी बैठक राम जन्मभूमि की कार्यशाला में संपन्न की गई, जिसमें रामलला के दर्शन के लिए आने वाले मेहमानों, उनके ठहरने के साथ मूलभूत सुविधाओं को लेकर दी जाने वाली सहूलियतों पर मंथन हुआ। इसके साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने मेहमानों के रुकने और वीआईपी मूवमेंट को लेकर मास्टर प्लान भी तैयार किया है। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी समेत अयोध्या कमिश्नर, एडीजी जोन जिलाधिकारी और आईजी मौजूद रहे। देखिए, 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके तैयारियों के संबंध में आज जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की थी और वहाँ पर जो व्यवस्था होनी है, किस प्रकार से सीटिंग होनी है और कैसे मूवमेंट होगा हमारे गेस्ट का, वो लोग कहाँ रुकेंगे, किस माध्यम से वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और व्यवस्थाओं में किस प्रकार से विभिन्न चीज़ों को देखा जाना है, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा थी विस्तृत और काफ़ी हद तक क्लैरिटी आज आई है। और हम लोग और 2-3 बार बैठेंगे, प्रशासन और ट्रस्ट 2-3 बार बैठ के इस पूरे प्लान को फाइनलाइज करेंगे ताकि उस दिन एकदम प्लान वे में, ऑर्गेनाइज वे में सब चीज़ हो, कहीं कोई हम लोग स्कोप नहीं छोड़ना चाहते हैं, कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था हो। गेस्ट होंगे और वो उसकी संख्या लगभग 7,000 है अब तक। सुरक्षा के सभी कदमों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की श्रेष्ठ और उच्चतम व्यवस्था हो इसके लिए स्थानीय प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित किया है। उसी के अनुपालन के लिए ट्रस्ट के साथ
प्रशासन का कोऑर्डिनेशन अच्छा बने इसके लिए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी महोदय, आईजी महोदय, एसएसपी महोदय सब ने बैठ करके ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थाएं हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त किया और प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्थाएं बनी हैं 22 तारीख के आने वाले अतिथियों के संबंध में उसकी जानकारी दिया। साथ साथ कोऑर्डिनेशन हो, सभी आगंतुकों को जो निमंत्रित जन हैं उनको सुगमता हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो, ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित करने के लिए ये आज सब बैठे थे। आगे ये बैठकों का क्रम और भी अच्छा होगा जिससे ये व्यवस्थाएं सुव्यवस्थाओं में बदल सके। अयोध्या की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।